ओम शांति। हम 25 जून 1977 की अवैतवाणी पवित्रता की संपूर्ण स्टेज इसको रिवाइज कर रहे हैं। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्ब के अंदर आज्ञाकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है, बाप और दादा दोनों के समान बनना है ना, दोनों से स्नेह है ना, स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो ना, फरिश्ता बनकर चलते हो कि पांच तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपने तरफ आकर्षित करती है। जब आकारी हो जाएंगे तो ये देह अर्थात धरनी आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना, दोनों ही लाइट है, वह आज्ञाकारी रूप में वह निराकारी रूप में, तो दोनों समान हो ना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे, समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं, फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला, कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो सब पार्ट देखता रहे और सकाश देता रहे। सकाश भी देना क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी हो देखते सकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, सकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। फिर किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आएंगे। अगर सेक आता है तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है, कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहां साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते तो सेक लगता है। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हमजिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है, पहला जोश याद है? कैसे लगन थी, सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जींस को छुड़ाना ही है, बचाना है। इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।